कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी बयानबाजियों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। दूसरों पार्टियों पर हमले के साथ साथ कई बार वो अपनी ही पार्टी और पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले लेते हैं। इस बीच पांच राज्यों के चुनाव के गहमा गहमी के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को लेकर ऐसा कह दिया जिस पर बवाल हो गया है। अब पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर जो आरोप आचार्य जी ने लगाए हैं उसे तो कोई विरोधी पार्टी का नेता ही लगा सकता है। इतना ही नहीं, आचार्य जी ने चुनाव के मौके पर पार्टी को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताकर पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया। कई बार पार्टी की नीतियों की खुलकर आलोचना करने के कारण उन पर सालों से बीजेपी में जाने के आरोप भी लगते रहे हैं। अगर ऐसे बयानबाजियों के बाद भी आचार्य को पार्टी से ना निकाला जाता है, ना कारण बताओ नोटिस ही जारी किया जाता है, तो सवाल उठना तय है। सवाल ये भी उठता है कि प्रमोद कृष्णम में ऐसा क्या है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं और पार्टी उन पर एक्शन नहीं लेती। प्रमोद कृष्णम के किस बयान पर मचा है बवाल? कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के टिकट पर दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके आचार्य ने कहा, कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। आचार्य ने सुधांशु त्रिवेदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, आप मेरी वेदना का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको करना भी चाहिए, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि हमारी पार्टी में एक ऐसी चंडाल चौकड़ी है जो राम से ही नहीं गाय, गंगा, गीता और गायत्री से भी नफरत करती है। आचार्य के इस बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि ऐसे महत्वहीन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से ये बात कही थी। इस प्रकार के उलझलूल लोगों को छोड़िए, उलझलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए, ये देखिए। इसके बाद आचार्य बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने एक्स पर लिखा, कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए बीजेपी के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। कांग्रेस आचार्य पर क्यों नहीं लेती एक्शन? पार्टी में रहते हुए पार्टी की नीतियों का आलोचना करना तो राइट ऑफ फ्रीडम की श्रेणी में आता है, पर जब पार्टी के किसी नेता के खिलाफ बिलो द बेल्ट हमला हो तो उसे पर्सनल हमला ही माना जाता है। कोई भी पार्टी इस तरह के आरोप लगाने वाले को बर्दाश्त नहीं करती। अगर कांग्रेस में आचार्य प्रमोद कृष्णन को इस बार भी जीवनदान मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उनको कांग्रेस खुद बर्दाश्त कर रही है। हो सकता है आचार्य को पार्टी में हिंदू चेहरे के रूप में स्थापित कर रही हो, पर सुरजेवाला के सिख सीडी की बात करना उन पर बिलो द बेल्ट हमला है। क्या बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं आचार्य? हाल फिलहाल में जिस तरह आचार्य ने कांग्रेस नेताओं की आलोचना शुरू की है और बीजेपी के हिंदुत्व का समर्थन किया है, उससे एक बार फिर से अफवाहें उड़नी शुरू हो गई हैं। तो क्या आचार्य बीजेपी में जा रहे हैं? चाहे फिलिस्तीन और इसराइल की बात हो या फिर सनातन की बात हो, आचार्य ने अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों को आड़े हाथों लिया है। सनातन के मुद्दे पर जब उदयनिधि का बयान आया तो आचार्य ने कहा था, ऐसी पार्टियों को इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी वो बीजेपी का स्टैंड लेते दिखे थे। राम मंदिर पर उनके बयान ने तो हदी कर दी, जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें महत्वहीन करार दे दिया। इन्हीं सब बातों से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आचार्य बीजेपी में जा सकते हैं। बता दें, प्रमोद कृष्णन संभल के इचोड़ कम्बोह में स्थित श्री कल्की धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने साल 2014 में संभल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस में उनको प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में पहचान मिली। आचार्य हमेशा से कांग्रेस पार्टी में राहुल की जगह प्रियंका को तरजीह देने के हिमायती रहे हैं। उनका कहना रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित करना होगा।